लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट और कल्कि पुराण के रेफरेंस में इस एंगल को रखें तो कहीं से भी कलयुग, कल्कि अवतार या फिर इस किसी भी फिनोमेनन में कर्ण फिट नहीं बैठता। अब अगर क्रिएटिव लिबर्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशनड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम इस क्रिएटिव लिबर्टी को जस्टिफाई जरूर कर सकते हैं। कल्कि 2898 AD जो ओवरऑल एज अ मूवी और खासकर अपनी एंडिंग के साथ साथ हमारे लिए काफी सारे सवाल छोड़ के जाती है और काफी कुछ डिस्कस करने को भी। जो वर्ल्ड नाग अश्विन ने क्रिएट किया है वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है, अपने सेटअप को लेकर भी और अपने कैरेक्टर्स को लेकर भी। एंड ऑब्वियसली जो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट का बेसिस फॉर्म करता है जो कि हमारी एंशियंट हिंदू हिस्ट्री, उसके चलते आने वाले सीक्वल्स में और भी अमेजिंग कैरेक्टर्स के लिए स्पेस क्रिएट होती है। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आइदर अपनी इस एंशियंट हिस्ट्री के फिगर्स पे बेस्ड हो सकते हैं या फिर उनका एक इंटरप्रिटेशन जिसको इस फिल्म की स्टोरी में इंटीग्रेट किया जाएगा। फिल्म देख के एक चीज समझ आती है कि जितनी भी क्रिएटिव लिबर्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज्यादा ली गई है। एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ और डायरेक्टर का आखिर विजन क्या है इस चीज को लेकर, इस पर इन डिटेल इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो है एक स्पॉइलर टॉक। कल्कि 2898 AD मूवी के एंडिंग के बारे में बात करेंगे और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे और जो कुछ थ्योरीज है मेरी उसको लेकर उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मूवी अभी तक अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दो और अगर देख चुके हो तो एंजॉय द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। तो बात करते हैं फिल्म की एंडिंग को लेकर, तो एक समरी डिस्कस कर लेते हैं काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अश्वत्थामा से हार जाने के बाद भैरवा कमांडर मानस से कहता है कि वो सुमति को कैप्चर करेगा। ऑब्वियसली जो फेलियर उसने फेस करी है उसको वो अपने ईगो पर ले लेता है, तो बुज्जी को मॉडिफाई करके और फिर ये रेबल मेंबर जो भैरवा का बहुत बड़ा फैन है उसका यूज करके वो शंबाला पहुंच जाता है, जहां सुमति को कैप्चर करने से पहले उसका एक रीमैच होता है अश्वत्थामा से। बट यहां पर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जब हमको मालूम चलता है कि कमांडर मानस भैरवा को ट्रैक कर रहा था एंड वो अपनी आर्मी लेकर शंबाला पहुंच जाता है जहां वो जगह को ब्रीच करता है और रेडर्स और रेबल्स के बीच में एक अल्टीमेट वॉर होती है। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा और भैरवा में भी अपनी फाइट चल रही होती है, जहां भैरवा बुज्जी के मेका फॉर्म को सामने लाता है बट अगेन अश्वत्थामा भैरवा को ओवरपावर कर देता है एंड फाइनली भैरवा को नॉकआउट भी कर देता है। बट देन कमांडर मानस अश्वत्थामा को होल्ड डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाता है और साथ ही साथ सुमति को कैप्चर भी कर लेता है। लेकिन उसी मोमेंट अश्वत्थामा के पास जो अस्त्र होता है जिसको उसने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था कि वो उसके दोस्त का है एंड सिर्फ उसी से ही एक्टिवेट हो सकता है, वो सेम अस्त्र भैरवा के हाथ में गिरता है और एक्टिवेट हो जाता है, जहां हमारे सामने ये ग्रैंड रिवील होता है कि अश्वत्थामा का वो दोस्त सूर्यपुत्र कर्ण था और भैरवा इंडीड उसका रीइनकार्नेशन है एंड इसीलिए वो वेपन भैरवा के हाथ में एक्टिवेट हो जाता है, जहां भैरवा के अंदर कर्ण की कॉन्शियसनेस आ जाती है, जो कि हम एक मोमेंट से समझ सकते हैं जहां पर भैरवा वही सेम डायलॉग अश्वत्थामा से बोलता है जो उसने उससे महाभारत में बोला होता है कि आने में देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र। तो यहां पर क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ वन कॉन्शियसनेस टेकिंग ओवर अनदर बॉडी। यहां इस फिल्म में कर्ण की कॉन्शियसनेस भैरवा को टेक ओवर करती है उस वेपन की वजह से, जिसके बाद वो कमांडर मानस को मार देता है और सुमति को रेस्क्यू भी कर लेता है। बट देन नेक्स्ट मोमेंट वो स्नैप आउट कर जाता है अपने कर्ण वाली पर्सनालिटी से विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उसने कुछ मोमेंट्स पहले क्या किया एंड तुरंत मौके का इस्तेमाल करके वो सुमति को लेके वहां से भाग जाता है, जहां अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन भैरवा सक्सेसफुल हो जाता है भागने में। फिर एक मिड क्रेडिट सीन आता है जहां पर सुप्रीम यास्किन सुमति के पेट से एक्सट्रैक्ट किए हुए एक बूंद सीरम को अपने अंदर ले लेता है एंड उसकी पूरी फिजिक चेंज हो जाती है, उसके पावर लेवल्स एनहांस हो जाते हैं टू सच एक्सटेंट कि वो अब गांडीव धनुष को भी वील्ड कर सकता है एंड इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसको एहसास होता है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन लुकिंग फॉर एंड अभी तो उसने इस चीज का 1% भी अपने अंदर नहीं लिया एंड इज ऑलरेडी सो मच पावरफुल कि वो गांडीव जैसे सेलेस्टियल वेपन जिसको ब्रह्मा ने बनाया है उसको वील्ड कर सकता है। तो अगर वो उस पूरे सीरम को एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो ही विल बी इनडिस्ट्रक्टिबल एंड अनस्टॉपेबल। बट एट द सेम टाइम वो मोस्ट प्रोबेबली इस बात से वाकिफ हो चुका है कि जिस बच्चे का एक अंश उसको इतना पावरफुल बना सकता है वो बच्चा खुद क्या होगा, जहां बात अब सिर्फ सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की नहीं है बल्कि उस बच्चे को पैदा होने से रोकने की भी है। वो इकलौती एंटिटी जो कि सुप्रीम यास्किन या फिर हम कहें कली असुर के एग्जिस्टेंस और पावर को चैलेंज कर सकता है। अब समझते हैं कर्ण के रिवील को, जहां फिल्म ऑब्वियसली हमें इस चीज के कुछ अर्ली हिंट्स देती है जो कि ऑब्वियसली पहली व्यूइंग में पता लगाना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले भैरवा का बचपन जो कि कर्ण के बचपन से काफी पैरेलल्स ड्रॉ करता है, असली पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया, किसी और ने पाल पोस कर बड़ा किया। जो आर्मर भैरवा कंटिन्यूअसली पहनता है अगेन ड्रॉस पैरेलल्स टू द आर्मर ऑफ कर्ण जो उसका बॉडी पार्ट था। इंटरवल ब्लॉक में जो वो व्हील कैच करता है दैट इज अगेन अ रेफरेंस टू महाभारत, जहां कर्ण ने कैरियट के व्हील को उठाता है एंड ऑब्वियसली रॉन्ग एंड की तरफ से फाइट करना। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट और कल्कि पुराण के रेफरेंस में इस एंगल को रखें तो कहीं से भी कलयुग, कल्कि अवतार या फिर इस किसी भी फिनोमेनन में कर्ण फिट नहीं बैठता। लेकिन कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज ना कहकर इसको हम क्रिएटिव लिबर्टी के लेंस से देखें तो हमको एक्जैक्टली समझ आता है कि डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन क्या है। नाउ आई वांट यू टू कंप्लीटली हियर मी आउट ऑन दिस वन बिफोर तुम अपने थॉट्स को क्रिएट करो। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाओ जहां पर नाग अश्विन ने अपनी इस कहानी के पीछे के कोर आइडिया को डिस्क्राइब किया था कि वो इस स्टोरी को महाभारत का
सीक्वल इमेजिन करके लिख रहे हैं। जहां मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का जो पोस्टुलेट बनता है वो होता है रिडेम्पशन, जहां महाभारत के वो कैरेक्टर्स जो कि राइटफुली सही थे लेकिन उन्होंने गलत साइड से फाइट किया था और कुछ गलत चीजें भी करी थी, उन्हें अब कलयुग में पुनर्जन्म के थ्रू एक मौका मिलेगा प्रायश्चित का, जहां इस बार उन्हें सही साइड यानी कि कल्कि अवतार के साइड से लड़ने का अवसर प्राप्त होगा और अपना रिडेम्पशन आर्क भी कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। एंड इसी लाइंस के अराउंड हम कर्ण के पुनर्जन्म को रख सकते हैं जो कि है भैरवा। अब अगर क्रिएटिव लिबर्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, और सवाल वही आता है कि इतने बड़े चेंज को आखिर जस्टिफाई कैसे करेंगे और क्या इंडियन ऑडियंस ऐसे नैरेटिव के लिए अभी रेडी है। जैसे मार्वल में थॉर का एग्जांपल ले लो, अगर नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से जाओ तो मार्वल के थॉर से सिमिलैरिटीज बहुत मिनिमल है। वो अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है जो बेस्ड है नॉर्स मिथोलॉजी के आइडिया पे, लेकिन टिप टू टिप उसे फॉलो नहीं करता। एंड ऐसा कुछ सिमिलर कल्कि 2898 एडी में हुआ है कर्ण के रिवील के साथ। अब ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम इस क्रिएटिव लिबर्टी को जस्टिफाई जरूर कर सकते हैं। एंड वो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स या फिर अल्टरनेट रियलिटी, जो कि एविडेंटली हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट इसका एक ट्रांसक्रिप्ट खुद महाभारत में मेंशन्ड है, जहां कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था तो उन्होंने मल्टीपल कॉस्मिक क्रिएशंस और डिस्ट्रक्शंस को भी दिखाया था जो कि उनके अंदर समाई हैं, जिसमें कई सारे दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्सेस और दूसरे ज्यादा एनॉर्मस वर्ल्ड्स थे। एक और ऐसा इंसिडेंट है भगवत पुराण में, जहां ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी का एक दिन टेस्ट लेने का फैसला किया जब कृष्ण जी अपने दोस्तों और गाय के बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने कृष्ण जी के सारे दोस्त और गाय को गायब कर दिया और उनको ब्रह्मलोक लेके चले गए। अब कृष्ण जी जिनके पास दिव्य दृष्टि है वो इस बात को समझ गए और उन्होंने अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई और उनको अपने उन सारे मिसिंग दोस्त और गाय का रूप दे दिया। फिर ब्रह्मा जी जब धरती पे आए तो वो देख के अचंभित हो गए कि वो सारे के सारे दोस्त और गाय तो अब भी गांव में हैं। वो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनको समझ आया कि ये कृष्ण जी की लीला है और उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा कैसे किया। तो कृष्ण जी ने अपनी आंखें बंद करी और ब्रह्मा जी ने अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिवर्सेस देखे, जहां पर हर यूनिवर्स के अपने ब्रह्मा जी थे। किसी ब्रह्मा के 10 सर थे तो किसी ब्रह्मा के 100 सर थे। एंड कृष्ण जी ने समझाया कि इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं, जिसके सबके अपने अपने क्रिएटर्स हैं और सबकी अपनी साइकिल है लाइफ और डेथ की। कक बुशंडी जिनके अंदर टाइम ट्रैवल और यूनिवर्स ट्रैवल करने की पावर थी, उन्होंने ये तक मेंशन किया है कि उन्होंने 11 वर्जंस देखे हैं रामायण के और 16 वर्जंस देखे हैं महाभारत के और सबकी डिफरेंट एंडिंग्स हैं। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम कल्कि 2898 एडी की स्टोरी में जोड़े तो हम कुछ ऐसे लेके चल सकते हैं कि जो महाभारत इस फिल्म के वर्ल्ड में हो रही है वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में टेक प्लेस कर रही है, जहां पर कुरुक्षेत्र वॉर के जो इवेंट्स हैं वो दूसरे तरीके से कैरी आउट हुए होंगे एज अपोज टू जो हमने पढ़ा। इनफैक्ट फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र को बनाते हैं तो उसको वो डायरेक्टली उत्तरा की तरफ फेंक देते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। तो यहां पर हम इस लॉजिक को जोड़ सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की महाभारत है, जहां पर ये इवेंट भी कुछ स्लाइटली डिफरेंट हुआ था। एंड इसी वजह से इस वर्ल्ड में कर्ण रीइनकार्नेट हुआ है कलयुग में इस भैरवा, ताकि अपने आप को रिडीम कर सके। माइट बी उस यूनिवर्स में कलयुग में ये चीज लिखी हुई हो, जिस तरह से अश्वत्थामा भी अपने रिडेम्पशन आर्क में है। एंड माइट बी महाभारत के और भी कैरेक्टर्स हमको फ्यूचर में देखने को मिले। अगेन ये एक व्हाट इफ सिचुएशन है, सिमिलर टू एसएस राजामौली, जहां उन्होंने ट्रिपल आर में रामचंद्र राजू और कोमरम भीम को मिलाया था, जबकि एक्चुअली में हिस्ट्री में इन दोनों के पाथ्स कभी भी क्रॉस नहीं हुए थे। तो कर्ण एके भैरवा आगे चल के कल्कि अवतार का प्रोटेक्टर बनेगा और एक वैल्यूएबल एसेट भी साबित होगा। बिकॉज फिर से याद करो कि गांडीव धनुष अब यास्कन के पास है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल वेपन, जिसको सिर्फ एक ही वेपन टक्कर दे सकता है, जो कि है विजया धनुष, जो कि कर्ण का है। एंड कल्कि अवतार के पैदा होने तक सुप्रीम यास्किन से लड़ने में वो चीज काफी ज्यादा काम आएगी। इनफैक्ट मेरी एक थ्योरी है यहाँ पर कि माइट भी कल्कि अवतार जब बड़ा होगा और उसके पास जो आर्सेनल होंगे वेपन्स और ट्रेनिंग के जो उसको चिरंजीवियों से मिलेंगे, उसमें एक और इंपॉर्टेंट वेपन कर्ण का कवच भी हो सकता है। बट फॉर नाउ भैरवा सुमति को किडनैप कर चुका है, अब आगे क्या होगा और भैरवा कब एग्जैक्टली अपने पर्पस को रियलाइज करेगा, एंड अगर वो कर्ण है तो काल भैरव का बिल्डअप क्यों दिया गया था कुछ सीन्स में फर्स्ट हाफ में, क्या अभी भी शिव जी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं भैरवा के कैरेक्टर में, और क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीक्वल से या फिर आने वाले पार्ट से। अभी ये सब कुछ बात करने को बाकी है, जो कि हम कवर करेंगे स्पॉइलर टॉक पार्ट 2 में। तब तक के लिए जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर पहली बार यहाँ पे आए हो। अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरीज हैं, कोई थॉट्स हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताना। द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर डिस्कशन। बाकी दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।